आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइटन, जिसने पिछले 20 सालों में 90,000% के रिटर्न दिए। अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने कमाया है तो वो कमाया है द बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने। इनके पोर्टफोलियो का लगभग 35% वेटेज आज यही से आता है। लगभग 12,000 करोड़ की होल्डिंग इनकी टाइटन की थी। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि पिछले 5 साल में भी कंपनी 20% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। अब ये ग्रोथ ऐसे ही जाती आगे रहेगी या फिर इसका अंत नजदीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर अगर ग्रोथ है तो वो कहां से आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है और कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि तनिष्क का गोल्ड का बिजनेस ही नहीं है, उनका बिजनेस कुछ अलग ही है और एक अलग ही मॉडल पर वो काम करते हैं, जिसके चलते सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन किसी की अगर है तो वो टाइटन की है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को जानने से पहले ये पता करना जरूरी होता है कि पास्ट में बिजनेस कहाँ से आया और पास्ट की ग्रोथ कहाँ से आई है। टाइटन एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। देखिए, बात है करीब 1980s की। जर्सी देसाई नाम के एक शख्स टाटा ग्रुप में काम कर रहे थे। 10 साल से ज़्यादा टाइम उनको हो चुका था और उनकी ऐसी इच्छा थी कि टाटा का वॉच का बिजनेस हो। वॉच कैसी, नॉर्मल वॉच नहीं, मॉडर्न वॉचेस। तो उन्होंने ये आइडिया टाटा के मैनेजमेंट को बताई। मैनेजमेंट ने कहा कि आइडिया तो अच्छी है, लेकिन टाटा ग्रुप ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस में एंटर कर चुका है, इसलिए अब और ज़्यादा एक्सपेंशन हमें नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी जर्सी देसाई नहीं माने, जिसके बाद बार बार फॉलोअप लेने के बाद टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, हम इस बिजनेस में एंटर करते हैं, आप ही इसे लीड कीजिए। जर्सी देसाई ने कहा कि ओके, हो जाएगा। और उसके बाद जर्सी देसाई ने टाइटन पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले बात आई फैक्ट्री खड़ी करने की, तो उस टाइम लाइसेंस राज का ज़माना था, तो ऐसे में उन्होंने देखा कि होसुर, जो बेंगलुरु के पास है और एक्चुअली तमिलनाडु में आता है, वो एक अच्छी लोकेशन हो सकती है प्लांट खड़ा करने के लिए। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात की कि हम एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं। इससे होगा ये कि तमिलनाडु के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो आपका काम भी बन जाएगा और बिजनेस चलाएंगे तो हमारा काम भी बन जाएगा। और इस तरह से टाइटन, जिसे पहले लोग टाटा इन तमिलनाडु नाम से जानते थे। और फिर शुरुआत होने के बाद कंपनी का जो पहला फेज था ग्रोथ का 1993 तक का, वो कम्प्लीटली आया वॉचेस से। कंपनी ने क्वार्ट्ज की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि उस टाइम काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसे अप्लाई किया और मॉडर्न वॉचेस बनाना शुरू किया, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया और कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी खासी होने लगी। फिर 1993-94 तक अच्छी खासी ग्रोथ होने के बाद जर्सी देसाई को लगा कि अब थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसे में उन्होंने वॉच के बाद क्लॉक के बिजनेस में एंटर किया और ज्वेलरी के बिजनेस में भी एंटर किया। इनफैक्ट उनके ज्वेलरी बिजनेस का जो नाम है तनिष्क, वो भी जर्सी देसाई ने खुद लाया और इस तरह से कंपनी आगे चल पड़ी। अब वॉच बिजनेस ने इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ कर ही ली थी, तो अब इन्होंने यूरोप को और बाहर की कंट्रीज को टैप करना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान फेल हो गया। बाहर के कंट्रीज़ में इनकी वॉचेस उतनी खास चल नहीं पाई और ये एक बहुत अच्छी लर्निंग टाइटन को मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने ज्वेलरी बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी उतना सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस क्यों नहीं मिला, तो उस टाइम इंडिया के जो हाउस होल्ड्स थे वो ये सोचते थे कि हमें अगर गोल्ड लेना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, हमें किसी ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा गोल्ड हम खरीदेंगे और उसे अपने पास रखेंगे। लेकिन तनिष्क चाहता था कि हम गोल्ड की बाइंग सेलिंग में ना जाकर ज्वेलरी डिज़ाइन में जाएँ और डिज़ाइन करके उसे बेचें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरुआत में उन्हें उतना खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी तनिष्क उस पर डटा रहा और उन्होंने सेम चीज़ को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे डिमांड आने लगी। इसी बीच साल 2003 की बात है, अचानक उनका जो होसुर प्लांट है वहाँ पर एम्प्लॉय यूनियन और मैनेजमेंट इनके बीच कुछ हो गया, जिसके चलते अराउंड 67 डेज तक वो प्लांट बंद था। आखिरकार टाटा ग्रुप के कुछ लोगों ने अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करके ये जो प्रॉब्लम है इसको हटा दिया और प्लांट फिर से शुरू हुआ। अब मिस्टर झुंझुनवाला इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब से प्लांट बंद हुआ शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रही है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था कि टाटा का जो ज्वेलरी बिजनेस है वो आगे चल के सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। और इसी चीज़ पर उन्होंने दाव लगाया कि एक अंडरवैल्यू स्टॉक है जो फिलहाल प्रॉब्लम में है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और इसी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने देखा और उसमें इन्वेस्ट किया। और रिजल्ट क्या है सभी के सामने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस दिवाली हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर्स लेकर आए हैं और इन डिस्काउंट्स के साथ साथ हम लॉन्च कर रहे हैं द कॉम्बो टू मास्टर शेयर मार्केट। इस कॉम्बो में आपको हमारा मोस्ट लव्ड कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको हमारा दिवाली में लॉन्च होने वाला द फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स भी मिलेगा। इस कोर्स में आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वो काम करता है, IPO कैसे सिलेक्ट करते हैं, इन जैसे बेसिक्स से लेकर कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं और कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालना है, इन जैसी अल्ट्रा एडवांस चीजें सीखने मिलेगी, और वो भी इतनी आसान भाषा में कि कोई 6-7 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बड़ी आसानी से सीख पाए। बस इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको 5th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आना चाहिए। 7,000 रुपीज का ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2,999 रुपीज में। और जैसे कि आपको पता है कि प्री बुकिंग ऑफर में जो ऑफर हम आपको देते हैं वो बाद में कभी भी नहीं मिलती है,
तो अभी इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम रखिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। ये जो होसूर प्लांट में इनका प्रॉब्लम हुआ था, उसके अगले साल यानी साल 2004 में कंपनी ने टारगेट रखा कि हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू और 35 करोड़ का प्रॉफिट अचीव करेंगे। प्रॉफिट तो उन्होंने पूरा अचीव किया और रेवेन्यू के भी वो बहुत क्लोज चले गए, यानी कि मिस्टर झुंझुनवाला ने जो सोचा था अब वो होते हुए देख रहे थे। और इसी बीच कंपनी ने अपना रिटेल एक्सपेंशन जारी रखा और अलग अलग ब्रांड्स लाना शुरू किया। तनिष्क के बाद इन्होंने जोया, मिया ये ब्रांड्स लाए, कैरेटलिन को अक्वायर किया और अपनी एक्सपेंशन प्रोसेस जारी रखी। टाइटन का जो बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का है, यानी कि अगर आप छोटे शहर से हो तो आपके शहर में जो ज्वेलरी के बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो छोटे मोटे दुकानदार हैं। जैसे जैसे आप बड़ी सिटीज़ में जाएंगे वहाँ पे आपको मिक्स मिलते हैं, छोटे मोटे दुकानदार भी मिलेंगे प्लस शोरूम्स भी मिलेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स के। अब इसमें कौन कौन से ब्रांड्स रहेंगे, तो ये सारे 12-13 ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर में कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। लेकिन एक चीज़ जो टाइटन को इन सबसे अलग करती है वो है इनकी प्रॉफिट मार्जिन। ये एबिटडा मार्जिन का एक ग्राफ है जो हमें ये बताता है कि इस ज्वेलरी बिजनेस में सबसे ज़्यादा एबिटडा मार्जिन अगर किसी के पास है तो वो टाइटन के पास है। कितनी? 12%। जो इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है वो जोया लुका से, वो 7% पर है। और धीरे 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 पीएन गाडगिल वगैरह जो प्लेयर्स हैं वो 2% एबिटडा मार्जिन पर काम करते हैं। तो यहाँ पर टाइटन के एबिटडा मार्जिन बाकी लोगों से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टाइटन का बिजनेस मॉडल ही अलग है। जहाँ पर बाकी लोग गोल्ड के कारोबार में है वहाँ पर टाइटन गोल्ड का कारोबार करती ही नहीं है। ये शायद आपके लिए शॉकिंग स्टेटमेंट होगा लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए, जिस कंपनी को गोल्ड खरीदना होता है उसके लिए प्रोसेस क्या होती है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड की माइनिंग की जाती है, वहाँ से वो गोल्ड रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइनरी में उसे प्योर गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसे बुलियन मार्केट में भेजा जाता है। बुलियन मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पर गोल्ड की खरीदारी बिक्री होती है। उसके बाद सिलेक्टेड बैंक से इंडिया में जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो बुलियन मार्केट से गोल्ड खरीद सकते हैं इंडिया के लिए, और फिर कई सारी कंपनीज फिर इन बैंक से वो गोल्ड खरीदती है। लेकिन रिसेंटली कुछ कंपनी ने सीधे बुलियन मार्केट से गोल्ड खरीदना शुरू किया है और फिर कंपनी जो गोल्ड खरीदेगी उसे वो डिजाइन करेंगे या फिर डायरेक्टली भी कस्टमर को बेच सकते हैं। ये इस तरह की एक प्रोसेस होती है। लेकिन जो टाइटन की प्रोसेस है वो कम्प्लीटली अलग है। टाइटन गोल्ड खरीदता ही नहीं है, टाइटन लीज मॉडल पर काम करता है। यानी क्या कि वो गोल्ड लेते हैं तो लीज पे, खरीद कर नहीं, और उसकी डिजाइनिंग करते हैं और उसे बेचते हैं। बेचने के बाद जो भी पैसा आता है तो उसमें दो चार्जेस होते हैं, गोल्ड के चार्जेस, दूसरे होते हैं मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस टाइटन अपने पास रख लेता है, बाकी जो गोल्ड के चार्जेस है जिनसे लीज लिया उन्हें दिए जाते हैं। तो गोल्ड की लीज और गोल्ड की प्राइस जो है जिनसे उन्होंने लीज पर लिया है उन्हें दिया जाता है, ऊपर का पैसा कंपनी रख लेती है। तो कंपनी मेनली ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करती है और उसी के पैसे लेती है। तो अगर गोल्ड के प्राइस में कहीं फ्लक्चुएशन होता है, कई बार ये होता है ना, मान लेते किसी गोल्ड ज्वेलर ने 60,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से गोल्ड खरीदा है, उस पर उसने काम करना शुरू किया और जब तक बेचने के लिए वो गोल्ड आया तब तक प्राइस हो गई 57,000। तो ऐसे में उस रिस्क को मैनेज करने की जिम्मेदारी उस ज्वेलर पर आती है। लेकिन टाइटन इसमें जाना ही नहीं चाहते, वो सिंपली लीजिंग करके अपना काम चलाते हैं और डिजाइनिंग के पैसे लेते हैं। और यही वजह है कि उनके एबिटडा मार्जिन जो है वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेंटरी के खर्चे नहीं है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है और एक एसेट लाइट मॉडल पर आप काम करते रहते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि तनिष्क का बिजनेस शुरुआत में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो डिज़ाइनर ज्वेलरी है उसकी एक क्रेज़ आने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिज़ाइनर ज्वेलरी यूज़ करने लगे और फिर उससे इनका बिजनेस बढ़ने लगा। फिर कंपनी ने फटाफट अपने रिटेल आउटलेट्स को बढ़ाना शुरू किया और अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया। इनका अच्छा खासा बिजनेस आज Tier 2 और Tier 3 से आता है। एक और चीज़ जिसका टाइटन के ज्वेलरी बिजनेस को फायदा हो रहा है वो है इंडिया का इनकम। इंडिया में बहुत तेज़ी से लोग लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं। आई थिंक IT सेक्टर ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया पहले, और इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से फास्ट ग्रो कर रही है इसका फायदा भी कई सारे इंडिविजुअल्स को हो रहा है। जनरली जो स्मॉल टाउन के लोग हैं वो जॉब के लिए जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में, और वहाँ जाने के बाद वो ज़्यादातर प्रेफरेंस बड़े बड़े ज्वेलरी आउटलेट्स को देते हैं कम्पेयर टू स्मॉल ज्वेलर्स। और ये चीज़ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी विजिबल भी रही है और इस चीज़ का टाइटन को काफ़ी फायदा मिला। अभी टाइटन के कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी ने सवाल पूछा था टाइटन के मैनेजमेंट से कि आपके जो कई सारे कंपटीटर्स हैं वो आपसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो उस पर टाइटन के मैनेजमेंट का बड़ा ही इंप्रेसिव रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि शायद वो तेज़ी से बढ़ रहे होंगे लेकिन वो हमारी असली कंपटीशन नहीं है। हम यहाँ पर जो ज्वेलरी मार्केट है उसे ऑर्गेनाइज करने पर लगे हैं और ये मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा है और हमारे पास सिर्फ 7% शेयर है पूरे ज्वेलरी मार्केट का, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर टाइटन 7% मार्केट शेयर में भी इतना कुछ कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि आगे का मार्केट शेयर जब वो ग्रैब करेगी तो कितनी बड़ी ये कंपनी बनेगी। और फिर इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स के बेसिस पर टाइटन पिछले 20 सालों में टाटा ग्रुप की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं उनकी संख्या पिछले 7 साल में बहुत कम हुई है, और वहीं पर जो मिड साइज ज्वेलर हैं और बहुत बड़े ज्वेलर हैं जैसे कि टाइटन वगैरह, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यही चीज़ कंपनी के फाइनेंशियल्स में फिर नज़र आई। कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, फिर रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट, दोनों भी।
जहां पर पहले वॉच बिजनेस से कंपनी का 70% रेवेन्यू आता था, उस वॉच बिजनेस से फिलहाल कंपनी का सिर्फ 7.6% रेवेन्यू आता है और फिलहाल कंपनी का 89% रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से ही आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स में जा रही है, जैसे कि परफ्यूम, साड़ी एटसेट्रा, इसमें वो एक्सपांशन कर रहे हैं। जबकि वहाँ से सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं आ रहा है, फिर भी कंपनी जो R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उन्हें बेटर बनाने में और नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने में। अब इंडिया के बाद कंपनी बहुत अग्रेसिवली बाहर कंट्रीज की तरफ जा रही है। धीरे धीरे वो बाहर कंट्रीज में स्टोर्स ओपन कर रहे हैं और अच्छे खासे वहाँ पर भी एक्सपांड कर रहे हैं। कंपनी का ये मानना है कि अगले कुछ सालों में वो अच्छी खासी ग्रोथ बाहर कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका कंपनी को काफ़ी फायदा हो रहा है वो यही कि ट्रस्ट फैक्टर। टाटा का नाम आता है तो ट्रस्ट फैक्टर आता ही आता है। और वॉरेन बफेट बहुत एक अच्छी चीज़ बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट नो द ज्वेलरी, नो द ज्वेलर। यानी आपको ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा पता नहीं तो ज्वेलर कौन है ये पता कर लीजिए। और फिर जब टाटा का नाम यहाँ पर आ जाता है तो ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी हाई रहता है। आजकल बहुत सारे लोग तनिष्क से इसलिए भी ज्वेलरी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें फिर क्वालिटी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जहाँ पर कई बार ये रिस्क हो सकती है कि जिस ज्वेलर के पास, अननोन ज्वेलर के पास अगर हम जाते हैं तो वो सही से चीज़ देगा या नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं डाउट हर किसी के दिमाग में होता है जो टाटा का नाम आने के बाद आता ही नहीं है। और यही चीज़ का फ़ायदा इन्हें इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी बहुत हो सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, वो सबसे बड़ी इसलिए भी है कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं क्लाइंट्स हैं वो उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं टाटा नाम होने की वजह से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि TCS जो प्रोडक्ट बना रही है वो बाकी IT कंपनीज नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक ट्रस्ट फैक्टर होता है जो बहुत मैटर करता है और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए यही चीज़ें जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है। जब कोविड में कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट हो रहा था तो तुरंत कंपनी ने कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके लाइव वीडियो शॉपिंग, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, ई कॉमर्स और ट्राई एट होम, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए। और जबकि आप कंपटीटर की बात करें तो ज़्यादातर कंपटीटर्स इनमें से एक या दो ही फीचर्स ऑफर कर पाए। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स की, उसके बाद बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन की। रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो कंपनी लीज पर ही गोल्ड लेती है, लेकिन लीज का प्रॉब्लम है कि जब इंडिया की करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाती है तो इंडिया कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाती है गोल्ड पर। 2013 के आसपास जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गई थी तब RBI ने सर्कुलर लाया था कि कोई भी कंपनी लीज पर गोल्ड नहीं ले सकती, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसमें नंबर वन पर है क्रूड ऑयल, नंबर टू पर है गोल्ड। और फिर जब करंट अकाउंट डेफिसिट होती है तो RBI कोशिश करती है कि फिर इंपोर्ट कम किया जाए गोल्ड का। तो 2013 में सर्कुलर आने के बाद मतलब टाइटन का जो काफ़ी सारा ऑपरेशन है वो हिल गया था, लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा देर नहीं टिका। बाद में कंपनीज अगेन लीज पर गोल्ड लेने लगी और फिर टाइटन का जो बिजनेस है एसेट लाइट मॉडल पर वो चलता रहा। तो आगे चलकर अगर इंडिया लीज को बैन करती है तो इनके EBITDA मार्जिन कम हो जाएगी, इतना तो श्योर है। और फिर टाइटन की जो बेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये अगर फेल हो जाती है तो वही रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ तक बात है कंपनी के वैल्यूएशन की तो कंपनी का जो P रेशो है वो 87 के आसपास है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का यानी ज्वेलरी इंडस्ट्री का अगर P रेशो है तो 35 के आसपास है। अब यहाँ पर ज़्यादा P रेशो क्यों लग रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी जनरली ज़्यादा PE पर ट्रेड करती है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। तो ओवरऑल अगर हम EV/EBITDA और बाकी रेशोज़ को भी देखते हैं तो पता चलता है कि कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ अभी भी कंपनी में बाकी है। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो शुरुआत के कुछ सालों में कंपनी की मेन ग्रोथ वॉच बिजनेस से आई, फिर आई ज्वेलरी बिजनेस है, और अब कंपनी इंडिया के साथ साथ बाहर भी एक्सपेंशन करके वहाँ से ग्रोथ लाना चाहती है, और जिस अनऑर्गेनाइज मार्केट का इनके पास 7% शेयर है उसे और बढ़ाने की कंपनी कोशिश कर रही है। इस कंपनी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ अगर कुछ रही है तो कंपनी का मैनेजमेंट रहा है। पहले जर्सीस देसाई थे, फिर भास्कर भट्ट थे, और अब है CV वेंकटारमन। और ये जितने भी लोग हैं जो टाइटन के CEO रह चुके हैं वो पिछले कई सालों से टाइटन में ही काम कर रहे हैं, तो इनसाइड आउट सब कुछ उन्हें पता है, और उन्होंने अपने टाइम में जो CEO थे उनको कंपनी अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए देखा है। तो टाइटन की इस बिजनेस ग्रोथ स्टोरी को जरूर सभी के साथ शेयर कीजिए, और जाते जाते हमारा कॉम्बो कोर्स का ऑफर जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्री बुकिंग ऑफर के टाइम जो ऑफर्स हम देते हैं वो बाद में आपको कभी नहीं मिलते हैं। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम रखिए।